तो दोस्तों ये है मेरी गाड़ी ह्यूंडई वर्ना 1.6 लीटर वीटी यानी पेट्रोल। ये ह्यूंडई का कोड लैंग्वेज है या ह्यूंडई का सिंबल है, इस तरीके से ह्यूंडई बात करता है। और दोस्तों ये गाड़ी हमने ली थी 2017 में, यह है 2016 मॉडल, और 2017 में भी हमारे पास अवेलेबल थी, हमारे लिए अवेलेबल थी ये। अभी तो इसका परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छा है। यहाँ आने से पहले गो मैकेनिक से मैंने इसका फुल सर्विसिंग और चेकअप करवाया था, उसका वीडियो भी जल्दी इस चैनल पे आ जाएगा, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ चुका होगा। अगर आ चुका होगा तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने सोचा इस गाड़ी के, और क्योंकि मैं गाड़ी की बात क्यों कर रहा हूँ इस चैनल पे, क्योंकि मैंने एक पोल किया था कि वुड यू लाइक मी टू टॉक अबाउट कार्स ऑल्सो ऑन दिस चैनल, तो आप सब लोगों ने कहा था यस, तो इसीलिए मैं गाड़ी पे भी वीडियो लाया हूँ। तो इसके परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें क्या एक्सेसरी ज़रूरी होती है, या फिर अगर आप गाड़ी खरीदें तो फिर कौन कौन सी एक्सेसरी आपको लगवा लेनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सेसरी मैंने लगवाया है इसमें, आ जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है फुट मैट मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा गंदा भी हो चुका है क्योंकि कल रात को फंक्शन था, आपको ब्लॉग वाले चैनल में दिखेगा उसलिए। लेकिन फुट मैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बाहर से अंदर चढ़ते हैं और उससे धूल वगैरह बहुत अंदर जा सकता है, तो फुट मैट हो गया। उसके अलावा दोस्तों सीट कवर, मैंने अभी तक सीट कवर नहीं लगवाया है पर सीट कवर जल्दी लगवा लेने का प्लान है। लेकिन अगर आप सीट कवर लगवा लेंगे तो आप सीट की ओरिजिनल क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीट कवर्स भी आ गए हैं, गो मैकेनिक पे भी आपको मिल जाएगा या फिर सर्विस सेंटर वगैरह पे या ओरिजिनल शोरूम में भी आपको मिल जाएगा। एडिशनल एक्सेसरीज में मैंने लिया है यहाँ पे परफ्यूम, ये परफ्यूम मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था अराउंड 400 रुपीज़ का, और ये इन्वॉल्व का परफ्यूम है। इन्वॉल्व काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हो रहा है अभी परफ्यूम और जो भी फ्रेगरेंस के वर्ल्ड में, फ्रेगरेंस मार्केट में, और इसका मैंने इसको रिव्यू पढ़ के ही लिया, और मतलब फॉर्चुनेटली मुझे इसका स्मेल भी काफ़ी पसंद आया, तो गाड़ी में घुसने से इसका स्मेल पूरा गाड़ी में महका रहता है। और ये आप, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर है दोस्तों एक डस्टबिन, ये कार डस्टबिन ही है, यहाँ से पुश करके आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं, आप डाल देख सकते हैं अंदर एक टिशू पेपर डला हुआ है, और टिशू बॉक्स भी मैंने पीछे रखा है। इसमें छोटी मोटी चीज़ जो ट्रैवल के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब फेंकना है तो रोड ना गंदा करके आप इसमें डालें, और जहाँ पर भी आप हॉल्ट के लिए रुकें वहाँ पर इसका कचरा डस्टबिन में डाल दें, और फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो और एक और चीज़ मैंने पीछे रखी है यहाँ पर जो कि है टिशू बॉक्स, ये भी अराउंड 300-400 का था, ये मुझे याद नहीं अमेज़न फ्लिपकार्ट से में से ही किसी एक से मैंने मंगाया था। सारे एक्सेसरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, पर ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। कई बार आपको टिशू चाहिए किसी चीज़ के लिए और अवेलेबल नहीं है या हाथ पोछना है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इस तरीके से आप एक टिशू निकाल सकते हैं और बाकी टिशूज़ इसमें रह जाएंगे, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर मैंने पीछे रख दिया इसको, और ये ऐसे ही है, ये शादी का कार्ड वगैरह है। पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ चीज़ें मैंने डिक्की में भी रखी हैं, जिसमें से सबसे पहले है ये कार साफ़ करने के लिए, ये इस तरीके से फैल भी जाता है और ये यहाँ से खुल भी जाता है, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर मतलब पोछ सकते हैं, या फिर इसके जो हैंडल है उसके साथ पोछ सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि इसके पहले जो मेरे पास था गाड़ी साफ़ करने के लिए वो बहुत बेकार क्वालिटी का था, नीचे से टूट भी गया था तो प्रॉब्लम होता था उसे साफ़ करने में, पर इससे गाड़ी साफ़ करना काफ़ी आसान हो गया है। तो यस, ये भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये अराउंड 300 रुपीज़ का था ये। और दोस्तों इसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक्सेसरी मुझे लगा, थोड़ा बड़ा एक्सेसरी भी है। ये जो बैग है दोस्तों, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, ये बैग था अराउंड 700 का, पर इसमें अच्छा क्या है, जितनी एक्सेसरीज़ हैं वो सब इसी में आ जाती हैं, और इसके नीचे के साइड वेलक्रो लगा हुआ है जो कि इस कपड़े को पकड़ लेता है, तो ये गाड़ी जब चलेगी तब भी ये गिरेगा नहीं वेलक्रो होने के वजह से। और उसके अलावा दोस्तों ये जो है, ये है कार होल्डर, क्योंकि मैं व्लॉग करता हूँ, मोबाइल होल्डर मुझे चाहिए गाड़ी के लिए, तो मोबाइल होल्डर का मैंने सामने लगा दिया है। इसके अंदर तो फिलहाल कुछ नहीं है, पर मैं मोबाइल होल्डर को आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों मोबाइल होल्डर, ये टोटल 2 पार्ट्स हैं इसमें, मैं आपको पूरा डिसमेंटल करके दिखा देता हूँ। ये एक पार्ट है जिसमें आपका मोबाइल अटैच होगा, ये इस तरीके से बंद है। अगर आपको मोबाइल अटैच करना है तो फिर आप इन दोनों को जैसे दबाएंगी ये फैल गया, आप यहाँ पे अपना मोबाइल लगा सकते हैं, और मोबाइल को लगा के हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बटन प्रेस होते ही ये लॉक हो जाएगा, तो मोबाइल आपका अटैच हो गया। उसके बाद अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो इस तरीके से घुमा लें,
और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इस तरीके से। और ये वो पार्ट है जो डैशबोर्ड से या फिर आपके विंडशील्ड से अटैच होगा। और ये अटैच करने के लिए ये जो क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, ये जो बटन है मान लीजिए जो भी है, ये है इस नीचे वाले हिस्से को लूज़ करने के लिए। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेपर रैपर आता है, उसको हटा देना होता है। ये जैसे ही मैंने खोल दिया, अब ये अटैच हो सकता है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए ये अटैच हो चुका है, अब ये नहीं निकलेगा। और चाहें तो आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल अटैच हो गया है। वापस से अगर आपको इसको निकालना है तो ये वाला जो चीज़ है इससे पकड़ के खींचिए, ये निकल जाएगा। और दोस्तों ये जो बॉल बेयरिंग बोलूँ इसको, जो मान लीजिए जो भी है ये बॉल बेयरिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती यहाँ लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ, कि सिर्फ इस तरीके से अटैच करके अगर आप अपना फ़ोन लगा दिए और इसको अटैच करके आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है आपसे। मेरा भी हुआ था, मैं वो वीडियो में डाल दूंगा। मैंने ऐसे करके फ़ोन लगा दिया था और अचानक से बीच में कुछ गड्ढा आ गया या कोई भी पडल टाइप का कुछ आया, तो ये ना लिटरली अलग हो गया और फ़ोन इसके साथ साथ नीचे गिर गया। वो फुटेज मैं वीडियो में डाल दूंगा, मैंने व्लॉग के दौरान वो चीज़ एक्सपीरियंस की थी जी। वहाँ इंपॉर्टेंस आता है दोस्तों इस चीज़ का। ये इतनी छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो आपको ये भी उस बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, तो इसको आपको अंदर पहले लगा लेना है इस तरह से, और अब आपको इसको अटैच करना है और लॉक कर देना है, इस तरीके से लॉक कर देना है। अब कितना भी बड़ा जर्क हो गाड़ी में, आपका फ़ोन गिरेगा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाला चीज़, इसका ख्याल रखें आप। मैं इसको फ़िलहाल अटैच कर देता हूँ क्योंकि व्लॉगिंग भी हमारी चली रही है इस दौरान। अभी हम दुर्गापुर में हैं, ये अटैच हो गया है। चलिए वापस डिक्की में चलते हैं, देखते हैं दूसरा एक्सेसरी क्या था वहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों ये कार शैम्पू, ये भी अराउंड 300 रुपीज़ का था और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जनरली गाड़ी साफ़ करने के लिए हम पानी से साफ़ कर लेते हैं या किसी और सोप से कर लेते हैं, पर कार शैम्पू इतनी अच्छी चीज़ है ना कि इससे अगर आप गाड़ी साफ़ करते हैं तो एटलीस्ट अगले 4-5 दिनों के लिए आपकी गाड़ी पे धूल नहीं जमेगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, गाड़ी मतलब चमकती रहती है जैसे जिस दिन आपने धुलवाई थी वैसी ही एटलीस्ट 2-3-4 दिन तक। तो उस मामले में ये बहुत हेल्पफुल है। ये पानी में मिला के या फिर ऐसे स्प्रे करके भी आप साफ़ कर सकते हैं, बेस्ट होता है पानी में डाल के फिर पानी से आप धो सकते हैं। और इसी ये जो कार शैम्पू आया है इसी के डब्बे में ये भी था, ये रिफ़िल है। मतलब अगर आपका मेन कार शैम्पू जो इसमें आया था वो ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर दो रिफ़िल पैक्स हैं। इनको आपको इस एक को खोलना है, इसको पूरा भर देना है, बाकी को पानी से भर के थोड़ा सा शेक करना है, वापस से आपका ये जो पूरा कॉन्कॉक्शन है ये तैयार हो जाएगा और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अराउंड 300 रुपीज़ में ये पूरा आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। उसके अलावा दोस्तों ये ग्लव्स मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम हाईवे पे निकलते हैं या ऐसे ही कहीं जा रहे हैं और फ्लैट टायर हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये सब जैक वगैरह जो कार कंपनीज देती हैं टू फिक्स द टायर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, आप जाके टायर को फिक्स कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, ऐसे में हाथ वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं। और मैंने सुना था कि कहीं पे कि मर्सिडीज़ वगैरह में ये चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट आती है, और मुझे लगता है सिर्फ मर्सिडीज़ में क्यों, ये हर गाड़ी में आना चाहिए। ये 99 रुपीज़ के हैं, ये हर कंपनी को अपने गाड़ी के साथ देना चाहिए कि जब भी हम अपना टायर वगैरह कुछ या अंदर कुछ काम करें तो हमारे हाथ गंदे ना हो जाए। हो सकता है कोई मीटिंग में जा रहा हो, नहीं भी जा रहा हो तो हाथ गंदे होंगे क्यों। इस तरीके से आप पहन सकते हैं, टायर पंचर करने दिखाऊंगा। इस तरीके से पहन के आप कुछ भी काम करिए, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। जो गंदा होगा ये ग्लव्स होगा, इस ग्लव्स को आप वापस रख दीजिए। सो मुझे भी लगता है कि ये भी काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को एडिट करते करते मैंने देखा कि एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में मैं बताना ही भूल गया हूँ। वो एक्सेसरी है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा अराउंड 350 रुपीज़ में, 300-350 रुपीज़ में। इट हेल्प्स क्योंकि हाईवे वगैरह पे कई बार होता है कि ब्लाइंड स्पॉट, हाईवे पे क्या किसी भी रोड पे ब्लाइंड स्पॉट पे कई बार कोई व्हीकल आ जाता है, और ब्लाइंड स्पॉट उसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो ब्लाइंड है, मतलब आपको गाड़ी में बैठे बैठे वो जगह दिखती नहीं है। तो वहाँ पे अगर ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ है तो आपको उस मिरर में दिख जाएगा। तो इस सेंस में काफ़ी हेल्पफुल है, और 250-300 रुपीज़ कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी था। कंटिन्यू। और लास्ट में दोस्तों, अच्छा मैं देख लेता हूँ, अभी तक मुझे लास्ट वही दिख रहा है। ये है
ये है दोस्तों कार वैक्यूम क्लीनर, ये कार वैक्यूम क्लीनर ही है, ये आप घर में नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इसका जो प्लग है वो है ही उस तरीके का जो गाड़ी में लगता है, पर गाड़ी में जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर और भी कई सारे सब पार्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के, मेन प्रोडक्ट तो अंदर है। अच्छा मैं मेन प्रोडक्ट आपको पहले दिखा देता हूँ फिर ये दिखाता हूँ। ये है, काफ़ी लंबा इसका केबल है, मतलब ये जहाँ पे अटैच होता है गाड़ी में वहाँ से आप पूरी गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं इसके थ्रू। मैं इसको अटैच करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो प्लग है दोस्तों ये यहाँ पे लग जाता है, और देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा वैक्यूम क्लीनर ऑन हो चुका है, नीचे दिखा। इस तरीके से आप जितनी गंदगी है उसको साफ कर सकते हैं इसमें, ये सक कर लेगा सबको। और फाइनली पहले मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ, इस बटन को दबा के आप इसको खोल सकते हैं। सारी गंदगी जो है वो इसमें इकट्ठा हो चुकी है, ये देखिए मैं गंदगी नीचे डाल देता हूँ, फिर से इसको लगा के ठीक से अटैच कर दे, यहाँ से ये अटैच हो जाएगा एंड अगेन यू आर गुड टू गो। इस प्रोडक्ट का प्राइस था अराउंड 1500 to 1700, मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, पर ये भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आपको गाड़ी वगैरह अंदर से साफ़ करना, क्योंकि कई बार सीट के नीचे ऐसी जगह गंदा फंस जाता है कि वहाँ से हाथ से साफ़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पर वहाँ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो पाइप जैसा दिख रहा है ये इस जगह पर अटैच हो जाता है, और ये वहाँ से गंदे को खींचने के लिए, गंद को खींचने के लिए है जहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट ये वाला पार्ट भी नहीं घुस पा रहा है, जैसे सीट के नीचे हो गया, तो फिर आप वहाँ से इसको ऑन करके गंदगी निकाल सकते हैं और फिर खोल के गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक एक्सेसरी ये भी है, ये गाड़ी के पेपर्स को रखने के लिए कवर है, डिफ़ॉल्ट कवर कंपनीज देती हैं, पर मेरा वाला जो कवर था वो थोड़ा फटने लगा था, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये एक जोशुआ ऐसी कोई कंपनी है, मैंने अमेजोन से मंगवाया था, मेरे सारे पेपर्स इसके अंदर भी सुरक्षित था, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है, अराउंड 350-400 रुपीज़ का था ये। इसके अलावा दोस्तों एक और एक्सेसरी मैंने मंगवाई थी जो कि थी फास्ट चार्जिंग के लिए एक प्लग था, पर मैंने उसको कहाँ रख दिया है मुझे मिल ही नहीं रहा है, वो भी अराउंड 300-350 रुपीज़ का था, और गाड़ी में जनरली फ़ोन काफ़ी धीरे चार्ज होता है, तो उसके मदद से फ़ोन कंपैरेटिवली फास्ट चार्ज होता, पर वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मिल रहा होता तो वो भी मैं आपको दिखा देता। तो ये थे सारे एक्सेसरीज़ जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सेसरीज़ की तो कोई कमी नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी एक्सेसरीज़ ले सकते हैं, पर इतनी एक्सेसरी अगर आप ले लेते हैं तो मुझे लगता है आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कमी है। हाँ सीट कवर मेरा लगवाना बाकी है, सीट कवर भी अगर आप लगवा लेते हैं तो दैट वॉज इट गाइज। हाँ इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब मुझे ह्यूंडई के इंजन्स बहुत पसंद आ गए इस गाड़ी को चलाने के बाद। जब मैंने गो मैकेनिक वालों से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि एनुअल सर्विसिंग आप ज़रूर करवा लें, उसके अलावा ये इस गाड़ी का जो इंजन वगैरह है और परफॉर्मेंस और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छा है, 4 साल 4.5 साल चलाने के बाद भी, तो अभी आप बेफिक्र रह सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 साल मतलब किसी भी कॉम्पोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ह्यूंडई वरना बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी मुझे पर्सनली, मुझे उम्मीद है आपको कार के एक्सेसरी से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में लिख के बताइए आप कार से रिलेटेड और क्या वीडियो चाहते हैं, मैं इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू भी कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, वो भी वीडियो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।